या बातमी से प्रायोजक आहेत कादरी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल नई जिंदगी रोड सोलापूर। जैतून बी उर्दू प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा स्वागत नगर येथील शाळेत क्रीडा सप्ताहाचे उद्घाटन क्रीडाधिकारी नजीर शेख, भावी नगरसेवक अजहर शेख, भावी नगरसेविका अनिसा डोका यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले। मुलांना शाळेच्या जीवनापासून खेळाची आवड निर्माण व्हावी म्हणून क्रीडा सप्ताहाचे आयोजन करण्यात येत असते। सोलापुरातील कैलासवासी डॉ मुंशी यांना यावेळी श्रद्धांजलीही अर्पण करण्यात आली। यावेळी रिजवान बेलीफ, आरिफा शेख, मुस्कान बांगी, शबनम ओटे, अमीना शाहपुरे आदिंची उपस्थिती होती। सभी मेहमान खुशी से और टीचर स्टाफ और स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हर साल अपनी इस जैतून के उर्दू स्कूल के जानिब से दिसंबर में क्रीड़ा सप्ताह मनाया जाता है। गवर्नमेंट का आदेश यह है कि हर साल क्रीड़ा सप्ताह मनाया जाए और उसके फ़ोटो वगैरह अपलोड करके गवर्नमेंट को दिया जाता है। गवर्नमेंट का कहना यही है प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों की तैयारी स्पोर्ट्स में अच्छी हो, क्योंकि उनका जो हेल्थ का जो प्रॉब्लम रहता है तो स्टार्ट से प्राइमरी स्कूल से अगर चालू करेंगे तो बच्चों की बढ़त, उनका ब्लड सर्कुलेशन और उनके जो दिमागी जो पूरे ये हैं पार्ट्स वो बढ़ना ज़रूरी है इसके लिए। और बच्चों को जो भी सीखना है तो वो प्राइमरी स्टेज पर ही उन्हें सीखना ज़रूरी है, इसलिए शासन भी गवर्नमेंट के तरफ से दर साल क्रीड़ा सप्ताह करने के लिए कहती है। उस हिसाब से इस साल भी जैतून भी क्रीड़ा स्कूल के जानिब से क्रीड़ा सप्ताह यहाँ पे बनाया जा रहा है। तहे दिल से सबको मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्रीड़ा सप्ताह में हिस्सा लें। और टीचर से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तो गवर्नमेंट के इस साल 93 खेल आए हुए हैं, उसमें से कुछ जो प्राइमरी स्टेज के जो बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए अलग से गेम है। जैसा कि आपने अभी 100 मीटर रनिंग लिया है तो गवर्नमेंट में कल ही पेपर में दिया हुआ है कि 100 मीटर, 200 मीटर लंगड़ी और वो गोल सकर खेल के बक्का बुक्की खेलते हैं उसको भी गवर्नमेंट ने मान्यता दी है। लंगड़ी है और कबड्डी है, खो खो है, ऐसे गेम अपन यहाँ ले सकते हैं। और इतना बड़ा ग्राउंड है, अगर सब बच्चों को इंशाल्लाह अगर ज़रूर अच्छा सिखाएंगे तो अपने बच्चे दीगर स्कूल के मुकाबले अच्छा कामयाबी हासिल करेंगे। और इसका फ़ायदा बच्चों को अभी 6वीं से लेकर 12वीं तक अपन एक मरतबा भी गवर्नमेंट के मैचेस में हिस्सा लेंगे तो उसके मार्क्स 10वीं और 12वीं में अपने को जो काम में आएंगे तो ये बच्चों को ये सर्टिफिकेट काम में आती है। आप स्कूल की तरफ से इंटर स्कूल भी मैचेस लेके उनको सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाए। उसके बाद हर साल गवर्नमेंट के जो इंटर स्कूल मैचेस होते हैं उसके अंदर भी अपने बच्चे स्कूल के जाएंगे तो अपने स्कूल का भी नाम होगा कि वो हाँ ये स्कूल के बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए हैं, उनका ये नंबर है और उनकी तरफ से गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट अपने को मिलता है। वो है 6वीं से आगे बच्चों को वो पार्टिसिपेट करके लेते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अपने स्कूल के बच्चे भी वहाँ पर इस साल नहीं तो नहीं अभी मैचेस चालू हो के 8-10 दिन हो गए उसका पार्टिसिपेट वगैरह ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह अभी से स्टार्ट करेंगे तो नेक्स्ट ईयर इन बच्चों का फ़ायदा होगा और वो बच्चों को भी आगे उनके सर्टिफिकेट में काम आएंगे। और लास्ट मरतबा वो स्पोर्ट्स के अपने इंस्ट्रूमेंट का रहा हुआ है, इंशाल्लाह ये दिसंबर के मंथ एंड तक हम ज़रूर पूरा करेंगे। और बच्चों को जो लगने वाली चीज़ें हैं वो जो प्राइमरी स्टेज पर लगने वाले हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर मैं महापाल की तरफ से लेकर देने की कोशिश करूँगा। इतना ही बोलता हूँ, आप सभी ने मुझे बुलाया, नाम दिया, इसलिए मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार। ताजा बातम्या पाहण्यासाठी प्राइम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सब्सक्राइब करा।